सुनिए, जितना जेएनयू में हुआ है ना, जो जेएनयू में हुआ है वो इंसानों ने नहीं किया, बल्कि प्लैनेट मार्स और वीनस से लोग स्पेसशिप में लैंड किए, दिल्ली पुलिस ऑफिस में स्पेसशिप लैंड किया और वहां से पूरे एलियंस खामोशी से चले गए जेएनयू में, और जेएनयू में जाकर उन्होंने मारकर वापिस स्पेसशिप में बैठकर प्लैनेट मार्स और वीनस को चले गए, बस यही, दूसरा कोई नहीं किया, कौन कर सकता है। हाँ नहीं नहीं हिंदू आप देखिए, पहले तो ऑनेस्ट डिसीशन ये होना चाहिए था कि जो लोग उस दिल्ली और से अपने चेहरे को ढाक कर यूनिवर्सिटी में कैसा घुसे, वो ट्रेसपासिंग का ऑफेंस है, उनके पर आईपीसी का ट्रेसपासिंग का सेक्शन लगना, उनके हाथ में रॉड्स है, अटेम्प्ट टू मारे वो बच्ची को, यूनियन के प्रेसिडेंट को, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगना, सर फोड़ दिए, प्रॉपर्टी डैमेज करे यूनिवर्सिटी की। योगी सरकार जो है 14.5 लाख वसूल करने के लिए जो आदमी मर गए उनको नोटिस देती, जो 90 इयर्स के उनको नोटिस देती, यहां जेएनयू में जो लॉस ऑफ डैमेज हुआ और जो बच्चों को मारा गया और कैसे वो लोग अंदर घुसकर आए, वो ट्रेसपासर्स, कौन सा बीजेपी का एमपी उसमें इन्वॉल्व है, ये रोकना चाहिए था ना। और आखिरी बात यह है कि जेएनयू के वाइस चांसलर को अगर थोड़ी शर्म बाकी है तो उन्होंने इस्तीफा देकर चले जाना, नहीं गए मीटिंग में, उनमें अगर कोई शर्म और हया बाकी है तो छोड़ के चले जाना, क्योंकि वो वाइस चांसलर नहीं बल्कि वो स्टूडेंट्स के पेरेंट होते, हिंदुस्तान के कोने कोने से गरीब बच्चे पढ़ते आके वहां पर, और एक पेरेंट का काम होता है कि बच्चों को रोकना बचाना, वहां बच्चे मार खाने के लिए नहीं आते, वो बच्ची जो अपने सर पे मार खाई, और जो वो जो गर्ल्स हॉस्टल के ऑडियोज मैं भी सुना हूं कि बच्चियां पुकार रही है तकलीफ से, 1.5 घंटे तक दिल्ली पुलिस नहीं जाती, और यही वही दिल्ली पुलिस है कि जब लॉयर्स उनको पीट रहे थे तो एहतजाज करते हैं और जामे मिलिया में घुसकर मिनाजुद्दीन की आंख को फोड़ दिए, आंख जाई होगी मिनाजुद्दीन की लाइब्रेरी में जाकर, जामे मिलिया में बच्चियों के हॉस्टल में घुसकर बच्चियों को पीटा गया, ये उनका बर्ताव है, ये शायद नया भारत है। आई कंडेम इट, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। हाउ कैन यू बुक एन एफआईआर अगेंस्ट अ स्टूडेंट हु वॉज ब्रूटली एन अटेम्प्ट टू मर्डर, केस शुड हैव बीन बुक अगेंस्ट दोज पीपल हु असॉल्टेड एंड हिट हर विद आयरन रॉड। दिस इज कंप्लीटली इनजस्टिस, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। द गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मैसेज दे आर सेंडिंग, एंड हु इज दिस जोकर हु सेज दैट ही इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोले आप, क्या है ये, हो गया। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। जो ओमन चेन की टाइमिंग बताएंगे आपको, जरा थोड़ा वाइट पब्लिसिटी दीजिए इसको।